को मेरा नमस्कार। मैं नीचू जीटीटी साइंस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कार्बेंस कोव से, मेरे टीचर इंचार्ज श्रीमती फूल कुमारी दास मैडम जी और मेरे जो सहकर्मी गण हैं उन सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है सन 2016 से शुरू हुआ है। तो स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का मकसद ये है कि हम जो है स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में जाने। आज जो है स्वच्छता पखवाड़ा का 3रा दिन है और ये प्रोग्राम का नाम है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जिसके तहत आपको स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में बताया जाएगा। और आज आप सभी के माध्यम से पूरे गली, पूरे मोहल्ले, पूरे कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोविड महामारी टला नहीं है और आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात, आपको जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है। दूसरी बात, आपको जो है हमेशा मास्क पहने रखना है, ये आपकी और दूसरों की सुरक्षा है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आप अपना हाथ जो है अपने चेहरे को छूने से बचें। आप कहीं बाहर हो तो ज़रूर हाथ सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो है कोविड जो वायरस है ये हमारे सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर, इसलिए हमें अपना नाक को मुंह को ढके रखना ज़रूरी है और अपने हाथों को साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारी बातों को हम ध्यान में देंगे तो हम किसी हद तक खुद को बचा सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आज के दौर पे बचाव का एक और तरीका है, एक और जरिया है। अगर आपने, आप किसी ने अगर वैक्सीनेशन या टीकाकरण नहीं कराया है तो मैं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कार्बेंस कोव की ओर से आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवा लीजिएगा, पहला। और दूसरा, टीकाकरण का कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आपके शरीर में जो है इम्यूनिटी डेवलप होगा, आपके शरीर में जो है लड़ने की क्षमता बनेगी, जिससे आप इस महामारी से खुद को बचा सकते हो। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप जरूर टीकाकरण करवाइएगा और हम सभी इस मुहिम में, इस स्वच्छता अभियान में, महात्मा गांधी जी का सपना जो था कि भारत को स्वच्छ बनाना है, गंदगी को भारत से दूर भगाना है, हम सब मिलके ये प्रण लें